रही। राज्य बनने के 19 साल बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकार ने कलेक्टर गाइडलाइन यानी कि बाजार दर कम कर हर वर्ग को राहत दे दी है। सरकार ने 30% तक की कमी की है और सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट में मंदी से उबरने में बड़ा फायदा होगा। मध्यम वर्गीय गरीब परिवार भी जमीन खरीद सकेंगे। भूपेश सरकार के इस फैसले का सभी ने खुले दिल से स्वागत किया। वही छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है जहां कलेक्टर गाइडलाइन कम कर दी गई है और इससे पहले मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में सरकार ऐसा कर चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि सरकार के इस फैसले का क्या असर छत्तीसगढ़ पर होगा। कलेक्टर गाइडलाइन के दर में कमी आने से छत्तीसगढ़ का हर वर्ग बेहद खुश है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे जमीन के दाम से मध्यम वर्गीय गरीब परिवार जमीन खरीदने की सोच कर रह जाते थे। रियल एस्टेट कारोबार में भी मंदी का असर प्रभावित हो चला था। अब सरकार की ओर से कलेक्टर बाजार दर में 30% की कमी होने से इसमें तेजी से उछाल आएगा। इससे समाज के हर वर्ग को फायदा होगा, वहीं सरकार के भी राजस्व में वृद्धि होगी। भूपेश सरकार बनने से पहले अभी तक हो ये रहा था कि राज्य बनने के बाद हर साल जमीन के दाम में 10% वृद्धि हो रही थी। 2008 से 2018 तक हर साल 10% की बढ़ोतरी हुई। इसका असर ये हुआ कि जमीन की सरकारी कीमत बाजार भाव से 1.5 से 2 गुना हो गई। यानी बाजार में जिस जमीन की कीमत कम थी, इसे खरीदने के बाद 2 गुना बढ़ी हुई कीमत में सरकारी रजिस्ट्री करानी पड़ रही थी। इससे जमीन और मकान की लागत बढ़ रही थी। कलेक्टर गाइडलाइन कम करने के फैसले से एक वित्तीय साल में रजिस्ट्री 30 से 35% बढ़ने का अनुमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में जो कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से जो रेट है उसमें 30% की कटौती की गई है और इससे आम आदमी को इसका फायदा होगा। इसके साथ साथ रियल इस्टेट का भी, जो मंदी का दौर था उसमें भी रियल इस्टेट में भी बढ़ोतरी आएगी और इससे सभी जो इतराई जो मकान खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, उनको लाभ मिलेगा। बिल्डरों का कहना है कि कांग्रेस कई साल तक विपक्ष में रही, इससे उन्हें पता था कि जमीन की सरकारी कीमत और बाजार भाव में बड़ा अंतर था। पूर्व सरकार को भी कई बार इस विसंगति से अवगत कराया गया, लेकिन ठोस फैसला नहीं हुआ। हमारे माननीय सीएम साहब का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उन्होंने हमारी बात समझी, सोची और उसको तुरंत डिसीजन किया विद इन 6 मंथ्स। तो इसके लिए हम उनको बहुत ही धन्यवाद देते हैं और इस चीज से काफी फायदेमंद है। रियल एस्टेट एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ेगा और उससे हम काफी आशा रखते हैं। वास्तव में सरकार के इस फैसले से जमीन की खरीदी बिक्री में अब तेजी से उछाल आएगा। शहरी क्षेत्र में निवासरत अब हर वर्ग तक सस्ते दरों में जमीन और आवास उपलब्ध होगा। अधिक खरीदी से सरकार को भी फायदा होगा। शहर के अंदर में जो जमीन अभी तक कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ी कीमतों में थी, वह कम हो जाएगी। लोग शहर के बाहर की बजाय अंदर जमीन खरीदने की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। सत्यपाल सिंह के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में